जय श्री राम दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वी डी में तो आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे तो हम साइकोलॉजी की सीरीज़ को कर रहे हैं और हमने सीक्वेंस वाइज आपके लिए क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हैं जैसे जैसे हमने साइकोलॉजी के टॉपिक्स किए हैं उसी से हम रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं एच पी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बाहर भी दोस्तों आपको बहुत कम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अगर क्वेश्चंस आ भी गए तो इन्हीं क्वेश्चंस को वो घुमा फिरा के पूछेंगे तो हम बिल्कुल आपको सिक्वेंस वाइज सीरीज़ ले आए हैं जैसे जैसे हमने टॉपिक कर रखे हैं अपनी वीडियोज़ में कॉन्टेंट वाली वीडियोज़ में वैसे वैसे ही आपको उसी से रिलेटेड टॉपिक वाइज आपको साइकोलॉजी की सीरीज़ को लेके आए आ रहे हैं तो आज हमारी सीरीज नंबर टू है और आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं तो और डेवलपमेंट जो प्रिंसिपल होते हैं डेवलपमेंट के उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम आज करेंगे तो हमारा पहला क्वेश्चन है डज प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी पर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के लिए सिग्निफिकेंट रोल क्या रहता है एग्जामिनेशन रहते हैं दी इंटरिएक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट रहते हेरिडिटी रहते हैं या एनवायरमेंट रहते हैं तो दोस्तों डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के लिए हमारे पास हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों रहते इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट right आंसर होना था द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट दोनों ही रोल प्ले करते हैं हमारे डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेफला कोडला द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम तो दोस्तों हमारे पास दो चीज़ें हमने पढ़ी थी प्रॉक्समी डिस्टोल्स और सेफला कॉडला तो ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट किस पे बेस करते तो पहला ऑप्शन आपका डिफरेंशिएटेड टू इंटीग्रेटेड फंक्शन हेड टू टोर्स रूरल टू अर्बन एरियाज या जनरल टू स्पेसिफिक फंक्शन जो हमारे पास सैफला कोडला होता है ये हमेशा हेड टू टोज हेड टू टोज रहता है और जो हमारे पास प्रोक्सीमी डिजिटल था वो हमेशा सेंटर टू इंटीग्रेटेड फंक्शन रहता है वो सेंटर से और सेंटर से स्टार्ट होता है और हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स की तरफ को चलता है और जो हमारे पास सेफेला कॉर्डलाता हम हमेशा हेड से

टोटल ऑफ अनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेड तो ये किसने कहा था दोस्तों कि सम की सम टोटल ऑफ अनबोर्न इंडिविजुअल ट्रेड तो ये कहा था हमारे पास बी एन जहां ने तो वहां पे दोस्तों हमने ये वाला क्वेश्चन किया था तो कई बार हमारे पास कोर्ट्स भी पूछ देते हैं तो ये क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में भी आया तो ये क्वेश्चन मैं वेरी इंपॉर्टेंट बोलूंगा इस क्वेश्चन को क्योंकि दोस्तों ये ये कवर करवाने बहुत ज्यादा मुश्किल होते किसने क्या कहा तो दोस्तों कई बार ना ये ऐसे क्वेश्चन हमारे पास रिपीट मिल जाते हैं हमारे को एच पी टैट में तो इसका आंसर होना था ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था बी एन जहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जम प्लाज लॉ ऑफ रिग्रेशन लॉ ऑफ रिसेंबल्स लॉ ऑफ वेरिएशन एंड लॉ ऑफ रिग्रेशन ये जितने भी लॉ है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जम प्लॉम्स रिसम्बल्स का लॉ वेरिएशन का लॉ रिग्रेशन का लॉ ये किससे रिलेटेड दोस्तों ये हमारे पास हेरिडिटी से रिलेटेड है हमने वीडियोज में कर रखे थे सारे लॉज कि रिसम्बल वेरिएशन और रिग्रेशन किस से रिलेटेड होता है हमारे पास हेरिडिटी से रिलेटेड होता है और हेरिडिटी किससे रिलेटेड होता है दोस्तों तो मंडेला ने एक्सपेरिमेंट किया था तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट रहता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हेरिडिटी इज दी एनवायरमेंट मेंटल जेनेटिक या साइकोलॉजिकल तो हेरिडिटी क्या थी दोस्तों अभी मैंने अपनी वीडियोस में कर बताया था अभी ये पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि हेरिडिटी क्या रहती है हमेशा जेनेटिक्स रहती है ठीक है हेरिडिटी क्या रहती है हमेशा जेनेटिक्स रहती है मतलब फिफ्थ क्या आंसर होना था इसका सी आंसर होना था हमारे पास ठीक है सिक्स का क्या आंसर होना था सी आंसर होना था हेरिडिटी किससे रिलेटेड रहती है हमारे पास जेनेटिक्स से रिलेटेड रहती है ठीक है हेरिडिटी को हम नेचर भी बोलते हैं और हमेशा क्या रहता है दोस्तों फिक्सड रहता है ठीक है और एनवायरमेंट को हम भी बोलते हैं ठीक है और हेरिडिटी से रिलेटेड हमारे पास जेनेटिक्स से रिलेटेड तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट किस से रिलेटेड ग्रोथ से रिलेटेड मैचोरिटी सेज से रिलेटेड ऑल ऑफ दिस से रिलेटेड तो हमारे पास डेवलपमेंट क्या होता है ओवरऑल होता है तो ग्रोथ भी इसमें आ जाता है मैच्योरिटी भी आ जाती है एज भी इसमें आ जाता है तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्ड हुड दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको लिखूंगा क्योंकि इसमें दोस्तों क्या बोला not है नॉट पूछा है अर्ली चाइल्ड हुड में से इनमें से कौन सा करैक्टरिस्टिक्स नहीं है अर्ली चाइल्ड हुड का नहीं पूछा है कौन सा नहीं है अर्ली चाइल्डहुड का कैरेक्टरिस्टिक्स तो दोस्तों अर्ली चाइल्डहुड में प्री गैंग एज भी होता है ठीक है इमीडिएट एज भी होता है क्वेश्चनिंग एज भी होती है प्लेज ज दोस्तों हमारे पास लेटर चाइल्डहुड में आता है ठीक है जब बच्चा अच्छे से खेलना शुरू कब करता है छह सात से ग्यारह साल की उम्र में वो खेलना शुरू करता है तो इसका आंसर क्या होना था ऑप्शन नंबर डी आंसर होना था प्ले इज ठीक है तो एथ का क्या होना था डी आंसर होना था बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एच बी टैट के एग्जाम्स के लिए बहुत ही दोस्तों मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा इन क्वेश्चंस को ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इन विच मेथड ऑफ स्टडी ऑफ साइकोलॉजी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आर वेरिएबल तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन अब हम पढ़ेंगे हम मैथड्स पढ़ेंगे ठीक है टीचिंग ऑफ मैथड पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल इंट्रोस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन स्टडी तो दोस्तों ये हमने क्वेश्चन वाली जब हमने कॉन्टेंट वाला पोर्शन किया था वहां पर दोस्तों ये एक स्पेशल हमने वीडियो बना रखी इन मैथड्स पे आप एक बार जरूर वहां पर जाकर इन मैथड्स को एक बार जरूर देख लेना ठीक है दोस्तों क्योंकि इससे हमेशा आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा हंड्रेड परसेंट गारंटी के साथ मैं आपको बोल सकता हूँ ये चीज कि इन मेथड से आपको एच पी टाइट में क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट मिलेगा ही मिलेगा ठीक है तो इन एक्स इन, 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 इस, सारे वीडियोस आप एक बार देख लेना इन मेथड्स वाली वीडियोस वैसे में वैसे मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस भी यहाँ पे कंप्लीट करवा लिए आपको ठीक है तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस वाले मेथड में होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड में होता है इंट्रोस्पेक्शन वाले मेथड पर होता है ऑब्जर्वेशन वाले मेथड पर होता है केस स्टडी वाले मेथड पर होता है तो दोस्तों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा किस पे होता है दोस्तों एक्सपेरिमेंटल मेथड में होता है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ स्टडी इन दी एजुकेशन साइकोलॉजी एजुकेशनल साइकोलॉजी में हमारे पास सबसे पुराना मेथड कौन सा है ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है तो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑब्जर्वेशन मेथड है क्लिनिकल मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है इंट्रोस्पेक्शन है। तो हमारे पास सबसे ओल्डेस्ट मेथड किसको कहा जाता है दोस्तों हमारे पास इंट्रोस्पेक्शन मेथड को कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था दो प्रकार के मेथड होते हैं आपको बता दूं सब्जेक्टिव मेथड और ऑब्जेक्टिव मेथड सब्जेक्टिव मेथड में सिर्फ एक ही मेथड आता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड बाकी जितने भी सारे होते हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव मेथड है तो हमारे पास पूछा मोस्ट साइंटिफिक जो साइंटिफिक भी हो और ऑब्जेक्टिव मेथड भी हो जो हमारे स्टडी बिहेवियर को करे ठीक है थीके? तो ये दोस्तों कौन सा होता है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है जो हमारे पास मोस्ट साइंटिफिक भी होता है ऑब्जेक्टिव मेथड भी होता है दोस्तों इसका एग्जाम्पल आपका पेवलक का डॉग वाला आपने थ्योरी पढ़ी होगी पेवलॉक डॉग वाली ठीक है तो वो इसका एग्जाम्पल है ठीक है वो बैल बजाता था कुत्ते के दोस्तों लार टपकनी शुरू हो जाती थी ठीक है तो वो जैसी बैल बजाता था तो डॉग जो था हमारा वो फूड के लिए रेडी हो जाता था ठीक है तो वो एक्सपेरिमेंटल मैथड था तो मोस्ट साइंटिफिक भी था और ऑब्जेक्टिव मेथड भी था

को कौन सपोर्ट करता ह्यूमनिज्म को कौन सपोर्ट करता था और फंक्शनलिज्म को कौन सपोर्ट करता था दोस्तों इसका आंसर आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर देना ठीक है और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा दिल जरूर रिएक्ट करना दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है हमारी ठीक है यूजफुल रहती है तो जरूर लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ नेक्स्ट वीडियो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच मैथड हेल्प्स टू स्टडी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स तो स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन के लिए कौन सा मैथड सबसे बेस्ट रहता है ऑब्जर्वेशन मैथड रहता है क्लिनिकल मैथड रहता है केस स्टडी मैथड रहता है एक्सपेरिमेंटल मैथड रहता है तो दोस्तों हमारे पास सबसे स्पेशल टाइप के चिल्ड्रंस के लिए हमेशा हमारे पास केस स्टडी मैथड रहता है क्योंकि दोस्तों इसमें हम इंडिविजुअल स्टडी करते हैं पर्सनल की इंडिविजुअल स्टडी करते हैं ठीक है तो इसलिए हमारे पास जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चों तो उसके लिए कौन सा मेथड सही रहता है केस स्टडी मेथड सही रहता है बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द मेथड द मेथड विच इंस्पेक्ट द ओवरट बिहेवियर ऑफ ए पर्सन तो ओवरट बिहेवियर जो होता है दोस्तों बाहरी बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए कौन सा मेथड का हम यूज़ करते हैं कि हम दूर से देख रहे थे दोस्तों हमने वीडियोस में कर रखा एक आपको इमेज भी बता रखी थी उस वीडियो में ठीक है कि दूर से हम जैसे हम बंदे को कौन से मेथड दूर से जब जैसे हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं तो कौन सा मेथड होता है ओवर्ड बिहेवियर ऑफ ए पर्सन बोलते हैं उसको के स्टडी मेथड होता है ऑब्जर्वेशन मेथड होता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड होता है या ह्योस्टिक मैथड होता है तो दोस्तों ये कौन सा मेथड होता है ऑब्जर्वेशन मेथड होता तो जब हम किसी आदमी या इंसान के हम बाहर बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो उसको क्या है? बोलते हैं हम ऑब्जर्वेशन मेथड बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इन इंट्रोस्पेक्शन मेथड द सब्जेक्टिव एंड इन्वेस्टिगेटर्स आर जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड था हमारा उसमें दोस्तों सब्जेक्टिव और इन्वेस्टिगेटर in, कौन होता है तो दोस्तों इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या होता है हमारा जब हम अपने आप खुद की आ, 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 आंकलन करते हैं ठीक है थीके? जब हम अपने अंदर खुद को झांक कर अपना मूल्यांकन करते हैं तो उसको उस मेथड को कौन सा कौन सा मेथड बोलते हैं हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड बोलते हैं जिसमें सब्जेक्टिव और इन्वेस्टिगेटर बोथ हम हम ही रहते हैं सेम रहते हैं ठीक है थीके? हम खुद के अंदर झांक के देख रहे हैं दोस्तों तो सब्जेक्टिव भी हम ही होंगे ठीक है हम खुद के अंदर इवेलुएट कर रहे खुद को ही तो इन्वेस्टिगेटर भी हम खुद ही है तो सब्जेक्टिव और इन्वेस्टिगेटर आर सेम ठीक है तो इसका आंसर क्या होना था ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होना था नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इज द स्टडी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है वो इन इनमें से कौन सा मेथड को स्टडी करता है एक्सपेरिमेंटल मेथड इंट्रोस्पेक्शन मेथड ऑब्जर्वेशन मेथड या केस स्टडी मेथड तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे ठीक है ये आपको क्वेश्चन ऑफ द डे है ठीक है तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप अगर आपने वीडियोस देख रखी होगी तो दोस्तों वहाँ पे हमने ये वाला क्वेश्चन ये वाला बता रखा था आपको कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप किस मेथड्स में होता है आप उस वीडियोस को एक बार जरूर देख ले फिर आप ये प्रैक्टिस सेट वाले क्वेश्चंस करेंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन एच पी टैट में ठीक रहने के चांस रहेंगे ठीक है तो हम आपको सिक्वेंस वाइज आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं आप एक और वीडियोज देख लें और एक बार प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर करेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ठीक है दोस्तों और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा दिल ज़रूर रिएक्ट करें तो मैंने बड़ा बना दिया मगर आप छोटा सा दिल ज़रूर रिएक्ट करना ठीक है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों क्योंकि आपकी एक छोटे से सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी लाइक करना कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों को ये वीडियोज़ तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो